हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा टू एमसीक्यू रिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिंग क्या होता है, न्यूलिटी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को बताऊँगा। सबसे पहले मान लीजिए एक यू विक्टर स्पेस है, यू विक्टर स्पेस से वी विक्टर स्पेस में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी। तो यहाँ पर जब ये वेक्टर स्पेस है तो जीरो एलिमेंट यहाँ पर होगा। मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है, गामा है, सपोज करते हैं इस तरीके से कुछ एलिमेंट है। और भी जो है वो भी वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पर भी एक जीरो एलिमेंट होगा, जीरो वेक्टर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो एक वेक्टर है वी वन, एक वेक्टर है वी टू, एक वेक्टर है वी थ्री, सपोज करते हैं कुछ ऐसा एलिमेंट है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो जीरो का इमेज हमेशा जीरो वेक्टर ही होता है। मान लेते हैं कि अल्फा का भी ये है, बीटा का भी इमेज जो है वो जीरो है और गामा का इमेज है भी वन। सपोज करते हैं, अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इसमें चार ही एलिमेंट है इस वेक्टर स्पेस में, इसमें भी चार एलिमेंट है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का जो सेट इमेज होता है, उस इमेज से जो सेट बनता है, इसको कहते हैं रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी क्या हो गया, इसके प्रत्येक एलिमेंट के इमेज से जो सेट बनता है। तो इमेज से मात्र जीरो और भी वन है इसमें, इसका प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग इमेज ले लिए, इमेज से जो सेट बनता है इसको कहते हैं रेंज ऑफ टी। और ये रेंज जो होता है वो इस भी का सब स्पेस होता है, रेंज जो होता है वो भी का सब स्पेस होता है। तो ये जब सब स्पेस हो गया इस भी का, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, इस रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा उसी को कहते हैं रैंक ऑफ टी, इसी को रैंक ऑफ टी कहते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो ऑफ टी से। ये हुआ रैंक। तो रैंक क्या होता है, इसका जो इमेज होगा, इमेज से जो सेट बनता है उस सेट को, उस सेट को रेंज कहते हैं। और रेंज का जो डायमेंशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं रैंक। अब एक होता है नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है जरा समझिए, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है जो जीरो के साथ एसोसिएट हो रहा है, मतलब वैसा एलिमेंट जो जीरो के साथ एसोसिएट हो रहा है, जैसे ये सारा एलिमेंट, ये सभी जो है वो जीरो के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नल स्पेस। इसको एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं, नल स्पेस कहते हैं। और अगर ये होमोमॉर्फिन जैसा ट्रीट करें तो इसको कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं। तो ये नल स्पेस हो गया। और नल स्पेस जो होता है वो इसका सब स्पेस होता है यू का। रेंज ऑफ टी जो होता है, यहाँ पर जो रेंज निकला है, रेंज ऑफ टी जो होता है वो इसका सब स्पेस होता है और ये नल स्पेस कहलाता है। नल स्पेस क्या होता है, यू का वैसा एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज जीरो है। ये तीनों एलिमेंट का इमेज जीरो है तो ये तीनों का जो कलेक्शन होगा उसी को हम लोग कहेंगे नल स्पेस। और नल स्पेस भी सब स्पेस होता है, यू का सब स्पेस होता है। और इसका जो डायमेंशन होता है, इस नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है, इसको कर्नल ऑफ टी भी कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं न्यूलिटी। न्यूलिटी को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, न्यूलिटी को ये न्यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं। तो न्यूलिटी ऑफ टी हो गया ये। और एक फार्मूला है कि रेंज ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी, न्यूलिटी ऑफ टी दोनों मिल करके होता है डायमेंशन ऑफ यू। रेंज ऑफ टी और मतलब रैंक ऑफ टी और न्यूलिटी ऑफ टी, दोनों रैंक ऑफ टी और न्यूलिटी ऑफ टी दोनों का जो सम होता है वो डायमेंशन ऑफ यू के बराबर होता है, यू के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का अभी जरूरत पड़ेगा जो मैं दो एमसीक्यू बता रहा हूँ उसमें। चलिए अब देखते हैं एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू हम लोग जो ले रहे हैं, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन वाला एमसीक्यू अभी मैं बता रहा हूँ। तो लेट टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर क्यू में, और गिवन बाय इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आर स्क्वायर जो है, इस आर स्क्वायर से आर क्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। एक्स वन एक्स टू का इमेज यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इमेज जो है वो क्या, कैसे डिफाइन किया गया, देखिए टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, इसका जो इमेज आएगा वो इसके बराबर है। एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स टू के बराबर है। अब हम लोग को निकालना है देन रैंक ऑफ टी, इस टी ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होगा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या होगा, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अगर न्यूलिटी भी निकाल लिया जाए
तो रैंक हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन तो पता है, ये आर स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन तो 2 होगा, ये 2 टपल्स है, ये 3 टपल्स है, इसका डायमेंशन 3 होगा, तो इसका डायमेंशन हम लोग को पता है। अगर इसका न्यूलिटी पता कर लें तो इसका हम लोग रैंक पता कर सकते हैं। तो चलिए न्यूलिटी ही पता करते हैं। न्यूलिटी में क्या होता है कि वैसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन लिखते हैं, नल स्पेस पहले निकालते हैं, तो नल स्पेस में होता है वैसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज जो है वो जीरो है। तो आर क्यू का जीरो वेक्टर क्या होगा, आर क्यू का जीरो वेक्टर तो ये होगा 3 टपल्स जिसमें से तीनों कंपोनेंट जो है वो जीरो के बराबर होगा, ये हो गया जीरो वेक्टर आर क्यू का। तो मान लेते हैं कि एक्स वन एक्स टू एक ऐसा वेक्टर है, आर्बिट्ररी कोई भी एक वेक्टर हम लोग मान रहे हैं जिसका इमेज जो है वो जीरो वेक्टर है। तो ऐसे सारे एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग नल स्पेस कहेंगे। तो पहले हम लोग नल स्पेस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर नल स्पेस के लिए हम लोग मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू बराबर जीरो जीरो जीरो, हम लोग मान लेते हैं कि इसका इमेज जीरो है। अब इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे डिफाइंड किया गया है वो लिखा हुआ है, एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमा एक्स टू, और यहाँ पर है जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। अब ये दोनों इक्वल है, ये 3 टपल्स और ये 3 टपल्स इक्वल है, तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो, फिर x1 वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो होगा, फिर x2 टू इक्वल टू जीरो होगा। अब देखिए x2 टू जीरो आ गया, x2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए जीरो तो x1 का वैल्यू जीरो, या यहाँ पर भी पुट कर दीजिए तो भी x1 का वैल्यू जीरो। तो x1 वन जीरो आ गया, x2 टू जीरो आ गया, इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट का इमेज हम लोग ये जीरो वेक्टर मानते हैं तो वो एलिमेंट का दोनों कंपोनेंट जीरो आ गया। कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं उसका अगर इमेज हम लोग जीरो वेक्टर मान रहे हैं तो जीरो वेक्टर इमेज सिर्फ वैसे ही एलिमेंट का होगा जिसका दोनों कंपोनेंट जीरो है। तो अब इसका अगर नल स्पेस निकालें, हम लोग अगर नल स्पेस निकालते हैं, नल स्पेस ऑफ टी, तो नल स्पेस ऑफ टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ टी। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें मात्र एक एलिमेंट हो जाएगा जिसका दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है, जीरो जीरो, ये आ जाएगा नल स्पेस में। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का मानते हैं कि इमेज जीरो वेक्टर है तो वो एलिमेंट का दोनों कंपोनेंट जो है वो जीरो आ गया, तो इसका मतलब सिर्फ नल स्पेस में यही होगा, सिर्फ इसी का इमेज जो है वो जीरो वेक्टर हो सकता है। तो ये इसमें सिर्फ एक ही वेक्टर आया, कौन सा वेक्टर आया, जीरो वेक्टर आया, नल स्पेस में जीरो वेक्टर आया। और जब नल स्पेस में पता चल गया कि नल स्पेस से सिर्फ क्या है, जीरो वेक्टर वाला एलिमेंट है, ये जीरो वेक्टर वाला एलिमेंट है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो जीरो होता है, जीरो स्पेस हो गया, इसको हम लोग जीरो स्पेस भी कहते हैं। तो जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो होता है, तो डायमेंशन को ही कहते हैं हम लोग न्यूलिटी। तो न्यूलिटी जो है टी का, न्यूलिटी टी का मतलब नल स्पेस का डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, नल स्पेस का डायमेंशन। और नल स्पेस तो ये आ रहा है, जीरो स्पेस आ रहा है, जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो होता है, तो न्यूलिटी जीरो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि रेंज ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी दोनों मिलकर के होता है डायमेंशन ऑफ यू, यू मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा। अब देखिए रैंक ऑफ टी तो हम लोग को नहीं पता है, न्यूलिटी पता है, न्यूलिटी जो है वो जीरो निकला हुआ है, और डायमेंशन आर स्क्वायर ये 2 टपल्स है, इसका डायमेंशन जीरो हो जाएगा। तो रैंक ऑफ टी कितना निकल गया, रैंक ऑफ टी जो है वो 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ये सी जो ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया उसका रैंक जो है वो 2 के बराबर हो गया। तो अगर रैंक निकालना हो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और अगर हम लोग को इस वेक्टर स्पेस का U के जगह जो वेक्टर स्पेस है उसका अगर हम लोग को डायमेंशन पता है, तो न्यूलिटी भी निकाल करके नल स्पेस का डायमेंशन निकाल करके भी हम लोग काम कर सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यू इंटू आर क्यू डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई कॉमा जीरो कॉमा जेड। इस तरीके से कोई डिफाइन किया गया आर क्यू से आर क्यू में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का इमेज जो है वो किसके बराबर है, वाई कॉमा जीरो कॉमा जेड। अब इसका रैंक निकालना है, व्हाट इज़ द रैंक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे रैंक निकालते हैं। यहाँ पर रैंक निकालने के लिए रैंक होता है क्या, रैंक जो होता है वो रेंज के डायमेंशन के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हम लोग रेंज का ही डायमेंशन निकाल लेते हैं। पहले वाला में तो रेंज का डायमेंशन नहीं निकाले थे, न्यूलिटी निकाले थे, यहाँ पर रेंज ऑफ डायमेंशन निकाल रहे हैं। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, जरा समझिएगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का इमेज जो है वो वाई जीरो जेड है, ये दिया हुआ है। इसका बेसिस ये आर क्यू है, तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, ई वन जो है वो वन जीरो जीरो, ई टू है जीरो वन जीरो, और फिर E3 होगा 001 इक्वल टू 001। ये तीनों मिलकर के इसका बेसिस बनाता है। अब जरा समझिए, बेसिस बनाता है इसका मतलब ये बेसिस हो गया, इसका मतलब ये इसको जनरेट करता है। इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो इस तीनों के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा। अब इसका इमेज निकालते हैं हम लोग, टी ई वन, ई वन का इमेज निकालते हैं, मतलब टी वन जीरो जीरो का क्या होगा। डेफिनेशन से x तो कहीं नहीं लिखते हैं इमेज में, सेकेंड वाला जो y है वो फर्स्ट में आता है, सेकेंड जीरो होता है और लास्ट वाला लास्ट में आता है। तो सेकेंड वाला फर्स्ट में, सेकेंड जीरो और लास्ट वाला लास्ट में। फिर इसी तरीके से t ऑफ ई टू, ई टू मतलब t जीरो वन जीरो, तो पहले y है, y के जगह यहाँ वन है, फिर सेकेंड तो जीरो है और लास्ट में z है, z की जगह जीरो है। t ऑफ ई थ्री, E3 मतलब 001 का इमेज निकालते हैं, तो y 0 z है, तो पहले y y के जगह 0, फिर सेकेंड तो 0 है और z के जगह 1 है। अब जरा समझिए, ये जो इमेज है वो इसके रेंज को जनरेट कर देगा, ये जो है वो जनरेट करता है रेंज को। अगर E1 E2 E3 किसको जनरेट कर रहा है, RQ को, इस स्पेस को जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस को, तो इसका जो इमेज आएगा, इस बेसिस के एलिमेंट का जो इमेज आएगा वो इसके रेंज को जनरेट करेगा। तो रेंज को, रेंज ऑफ टी को अगर हम लोग बात करें, रेंज ऑफ टी को जनरेट करने वाला कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ये तीन एलिमेंट जो है वो जनरेट कर देगा, तीन एलिमेंट जो है वो जनरेट करेगा, 100 और 001, ये इसको जनरेट करेगा। यहाँ पर जनरेट कर रहा है, ये तीनों एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है रेंज ऑफ टी को। अब जरा देखिए, ये तीनों एलिमेंट जनरेट कर रहा है, इसका मतलब रेंज में कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं तो ये तीनों का लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये तीनों का, मान लीजिए रेंज में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट का अगर हम लोग रेंज ले लेते हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पर लेते हैं एलिमेंट, और उसका इमेज जो है वो रेंज में आएगा, तो उसको ये तीनों मिलकर के जनरेट करेगा। तीनों मिलकर के जनरेट करेगा मतलब ए, इसको मान, ये तो जीरो वेक्टर है, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, यही तीनों मिलकर के जनरेट करेगा, मतलब ये तीनों के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा। तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इंटू बीटा के बराबर आ जाएगा, जहाँ ए बी सी स्केलर है। ये रेंज को जनरेट कर रहा है, तो रेंज में कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये तीनों के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर होगा। अब ए इंटू जीरो मतलब तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इससे बी अल्फा प्लस सी बीटा लिखिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि तीनों में से इसको छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा ही जनरेट कर देगा। कोई भी एलिमेंट को हम लोग ये दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख देंगे तो अल्फा बीटा जनरेट कर देगा, और ये अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जरा समझिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है, जब ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू बीटा को अगर जीरो वेक्टर मान लें तो ए भी निश्चित रूप से जीरो होना चाहिए। तो देखिए, ए इंटू अल्फा, अल्फा की जगह है 100 प्लस बी इंटू बीटा, बीटा के जगह है 001, और ये जीरो वेक्टर का मतलब 000, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो ए प्लस जीरो ए आ जाएगा। फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, दोनों को सम करेंगे जीरो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बी, और ये है 000, तो क्या हो गया, दोनों थ्री टपल्स इक्वल है, तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, सेकेंड सेकेंड के बराबर है, थर्ड थर्ड के बराबर। तो देखिए, अगर इसको जीरो मानते हैं तो ए बी जो है वो जीरो आ गया, दोनों स्केलर जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेंज को जो है वो जनरेट सिर्फ दो एलिमेंट कर रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दो एलिमेंट जनरेट कर रहा है, और ये दोनों जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो क्या ये दोनों मिलकर के बेसिस बना देगा, तो बेसिस जो होगा इस रेंज ऑफ टी का, इस रेंज ऑफ टी का बेसिस सिर्फ यही आ जाएगा, अल्फा बीटा, यही दो एलिमेंट बेसिस हो जाएगा। और याद कीजिए, बेसिस को ही ना डायमेंशन कहते हैं, तो इस रेंज का बेसिस ये हो गया, इसका मतलब इसका डायमेंशन जो है वो यही हो गया। तो डायमेंशन जो है किसका डायमेंशन, रेंज ऑफ टी का, तो रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा
वो कितना आ गया, बेसिस में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, दो एलिमेंट है तो बेसिस में दो एलिमेंट है, इसका मतलब इसका डायमेंशन जो है वो दो आ गया। और इसी के डायमेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी कहते हैं। रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होता है, तो रेंज ऑफ टी का डायमेंशन टू आया, इसका मतलब रैंक ऑफ टी टू हो जाएगा, तो इसका भी आंसर जो है वो टू होगा, यहाँ पर भी रैंक टू निकलेगा। तो इस तरीके से आप रैंक निकाल सकते हैं, या तो न्यूलिटी या डायरेक्ट बेसिस निकाल करके कर सकते हैं। तो आपके बुक में अगर कुछ सवाल इस तरीके से है तो आप ज़रूर उसको बनाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दो MCQ लेकर के। प्रत्येक वीडियो में मैं दो दो MCQ बता रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा का, आप इसको ज़रूर देखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लीनियर अलजेब्रा का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इस तरीके से, MCQ दो दो MCQ बता करके ये पूरा एक सीरीज मैं चला रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दो MCQ फिर से लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।